हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर एक स्टॉप लॉस ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड, आप कैसे इसमें जीटीटी ऑर्डर क्रिएट करेंगे। जब आप जीटीटी ऑर्डर क्रिएट करेंगे तो इसमें आपकी वैलिडिटी कितनी रहेगी, उसके बाद इसमें कैसे आपको एसएल प्राइस और लिमिट प्राइस को कंपेयर करना पड़ेगा। सेकेंड, स्टॉप लॉस ऑर्डर के अंदर कैसे आप लिमिट प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस को दोनों में आपको प्राइस ऐड करना पड़ेगा। तो आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब आप फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे तो आपको एक लॉट सर्च करना है। यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए जून के एक्सपायरी का कोई फ्यूचर यहाँ पे इसको सर्च करता हूँ। जब सर्च करने के बाद इसको बाय के ऑप्शन पर जब हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे आप स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाएंगे, उसके बाद बात करेंगे आप जीटीटी ऑर्डर कैसे क्रिएट करेंगे। तो अगर आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है तो उसके लिए एसएल के ऑप्शन में सबसे पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा। जब आप कोई भी स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे तो आपके पास वो पोजीशन एग्जीक्यूट होनी चाहिए। इसका मतलब जो आपने फ्यूचर का ये लॉट सर्च करा हुआ है ये आपके पास एग्जीक्यूट हो, चाहे वो इंट्राडे पोजीशन हो चाहे वो ओवरनाइट पोजीशन हो। आपने इसको इंट्राडे में आज बाय करा हो या आपने कुछ टाइम पहले 2-3 डेज पहले आपने इसको बाय करा हो तो आप इसमें एक एसएल ऑर्डर पुट कर सकते हैं। तो आप इसमें ऑर्डर कैसे पुट करेंगे, जितनी आपके एग्जीक्यूट मैक्सिमम लॉट्स होंगे मैक्सिमम क्वांटिटी आप उतनी रख सकते हैं, और मिनिमम क्वांटिटी आपको एक लॉट इक्वल टू 25, क्योंकि निफ्टी का एक लॉट के अंदर 25 क्वांटिटी होंगी तो आपको एक लॉट मिनिमम यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो आप इसमें कैसे रख पाएंगे, उसके लिए सबसे पहले क्वांटिटी आएंगी। क्वांटिटी आपको 25 रखेंगे तो इसका मतलब आप इसमें एक लॉट आप सेल करना चाहते हैं तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 5 लॉट है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करके 125 इसमें क्वांटिटी आप रख सकते हैं, अगर आपके पास एग्जीक्यूट क्वांटिटी 125 है तो। उसके बाद आपको उसको एसएल पे प्राइस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दो प्राइस आएंगे, ट्रिगर एंड प्राइस। तो सबसे पहले जो प्राइस का ऑप्शन है, ये ट्रिगर का ऑप्शन है, इसमें आपको वो प्राइस रखना जिस पे आप स्टॉप लॉस का ऑर्डर देना चाहते हैं। आप स्टॉप लॉस का ऑर्डर देना चाहते हैं, मान के चलते हैं कि इसमें आपने बाइंग पोजिशन 2290 पे आपने बाय करा था, आप इसको 22800 का स्टॉप लॉस ऑर्डर देना चाहते हैं। तो आप जो प्राइस ट्रिगर प्राइस है इसमें आप रखेंगे 22800, और जो ये प्राइस है इसमें आप थोड़ा सा डिफरेंस रखेंगे 22795 या 796 कितना भी रख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में जब भी प्राइस नीचे की तरफ आएगा फ्यूचर का एक लॉट का प्राइस तो आपका जो इस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद आपकी पोजीशन यहाँ से कट ऑफ हो जाएगी, आपका जो लॉस है वो बुक हो जाएगा, जिससे आपका लॉस ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, इसलिए आपको यहाँ पर दो प्राइस रखने पड़ेंगे। तो आपने क्या करा यहाँ पर, और उसको आप ओवरनाइट रख सकते हैं। इसमें ओवरनाइट क्लिक करा आपने, इसमें प्राइस ऐड कर दिया, इसमें प्राइस ऐड कर दिया, इसको एसएल पे क्लिक कर दिया और क्वांटिटी आपने मैनुअली डाल दी और स्वाइप टू बाय कर दिया। तो इसका ये आपका एसएल ऑर्डर पेंडिंग पोजीशन में चला जाएगा, क्योंकि जब तक 22800 प्राइस नहीं आएगा आपका ऑर्डर पेंडिंग रहेगा। विद इन वन डे एक्सपायरी मैक्सिमम होगी, विद इन वन डे का अंदर ये प्राइस आ जाता तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना आपका ऑर्डर ही कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर आपको जीटीटी ऑर्डर लगाना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस लॉट के ऊपर क्लिक करेंगे स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा क्रिएट जीटीटी। जब आप इस पर क्रिएट जीटीटी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा पेज जीटीटी का ओपन हो जाएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जीटीटी को क्लिक करने के बाद इसकी वैलिडिटी मैक्सिमम बेनिफिट क्या होता है कि जब भी आप कोई भी इक्विटी के अंदर जीटीटी ऑर्डर क्रिएट करते हो तो वैलिडिटी मैक्सिमम 1 ईयर तक वैलिड होता है। बट आप किसी भी इंडेक्स के अंदर क्रिएट करेंगे जीटीटी, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग, कमोडिटी, करेंसी, फ्यूचर ट्रेडिंग, जहाँ से हम बात करें आज फ्यूचर ट्रेडिंग की, तो इसके अंदर जो एक्सपायरी होगी वो जून की एक्सपायरी है, और जिस डेज की एक्सपायरी उसी तरह आपका ये ऑर्डर वैलिड रहेगा। तो इसमें कैसे आपको क्लिक करना पड़ेगा, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आप ऑलरेडी बाई सेलेक्ट रहेगा, इसको चेंज करने की नहीं, यहाँ पर सिंगल रहेगा। उसके बाद आपका ये हमेशा लिमिट ऑर्डर लगेगा और प्रोडक्ट आपका नॉर्मल रहेगा। इसमें आपको क्या ऐड करना, दो प्राइस ऐड करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपकी क्वांटिटी, कितने लॉट्स आप यहाँ पे बाय करना चाहते हैं जीटीटी ऑर्डर के अंदर, तो आप यहाँ पे मैनुअली डाल सकते हैं जितना आप क्वांटिटी डालना चाहें अपने फंड के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप किस रेट पे बाय करना चाहते हैं वो ट्रिगर प्राइस में आएगा। आप मान के चलते हैं 21000 पे मुझे बाय करना है, आप मैनुअली 21000 डालेंगे और यहाँ पे 20995 कर सकते हैं, वही सेम डिफरेंस रहेगा दोनों के बीच में। जब भी प्राइस आएगा मैक्सिमम एक्सपायरी तक, जून में जो थर्सडे होगा वहाँ तक ये प्राइस आ जाता है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको अगेन न्यू ऑर्डर फिर आपको बुक करना पड़ेगा। इस तरह बेनिफिट सबसे यही है कि जीटीटी का आपको बार बार ऑर्डर न्यू ऑर्डर पुट करने की नीड नहीं होगी, सिर्फ आप एक बार ऑर्डर पुट करने के बाद इंडेक्स के अंदर लास्ट एक्सपायरी तक आपका ऑर्डर वो पेंडिंग पोजिशन में रहेगा, और इक्विटी के अंदर 1 ईयर तक ऑर्डर वैलिड रहेगा। आपको कोई कन्फ्यूजन आप चैनल पर जाकर कमेंट कर सकते हैं।